दोस्तों, ये कहानी एक जापानी गांव की है जहां एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से सभी लड़के प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं और गांव की सभी लड़कियां दबा दबा के भटाभट 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 करवाती हैं। तो चलिए देखते हैं इस गांव की कहानी को। अगर आपको फुल खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, मौज ना आ जाए तो कह देना। ये कहानी एक जापानी गाँव के बहुत पुराने समय की है जहाँ पर एक ऐसा वायरस फैल गया था जिसको सभी लोग रेड फॉक्स कहा करते थे। इसकी वजह से पूरे जापान में जितने आदमी हुआ करते थे ये वायरस उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैलता था, जिसकी वजह से 100% में से 80% आदमी मर चुके थे। वायरस तो अब यहाँ पर खत्म हो जाता है लेकिन इसकी वजह से सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया था। जो काम पहले बाहर जाकर आदमी किया करते थे, जैसे काम करना, अपनी फैमिली को पालना और सब कुछ बाहर का काम करना, ये सारे काम औरतें करती थी और यहीं पर वो अपनी फैमिली को काम करके पालती हैं। और जो बच्चे कुछ आदमी हैं उनका काम है मेकअप करके सेंटी बनना और पूरे दिन यहाँ वहाँ डोलकर लौंडिया फसाना और उनके साथ भटाभट 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 करना। जिन लड़कियों के बच्चे नहीं होते थे ये उनकी बच्चे करने में हेल्प करते थे। और अब यहाँ पर शादियाँ भी नहीं हुआ करती थी, जो लोग यहाँ पर अमीर होते थे केवल उन्हीं की शादियाँ हो पाती थी। इसके बाद हम एक 19 साल के लड़के यूनोसिन को देखते हैं। ये थोड़ा सबसे अलग है, जहाँ बाकी लड़के मेकअप करके सभी लौंडियों को इम्प्रेस करने में लगे हैं और ये फाइटिंग करने में लगा होता है क्योंकि ये खुद को समुराय बनाने में लगा होता है। यूनोसिन की फैमिली काफी पुअर होती है लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसे प्रोस्टिट्यूट का काम नहीं करने दिया, लेकिन फिर भी ये एक बूढ़ी औरत के साथ संबंध बनाता है क्योंकि इस बूढ़ी औरत को एक बच्चा चाहिए और इसके लिए वो उसे पैसे भी ऑफर करती है लेकिन ये एक भी पैसा नहीं लेता। यूनोसिन के घर के बाहर लड़कियों की लाइन लगी रहती है क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट होता है और ऊपर से ये लड़ाई में भी माहिर होता है। इसी वजह से इसके लिए काफी रिश्ते भी आते हैं लेकिन ये सभी को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ये एक लड़की से प्यार करता है जो इसकी बचपन से ही काफी अच्छी दोस्त है, जिसका नाम ओनुबु है। दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से पसंद करते हैं लेकिन आज तक ये दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पाते कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि ओनुबु की फैमिली कुछ ज्यादा ही रिच है, इसीलिए यूनोसिन उससे बोल नहीं पाता क्योंकि वो काफी अमीर लड़की है। घर आते ही यूनोसिन देखता है कि उसकी फैमिली की हालात काफी बुरी हो गई है, उनके पास ना कुछ खाने को है और ना कुछ पीने को। इसीलिए यूनोसिन डिसाइड करता है कि मैं ओकुल जाऊंगा। ओकुल का मतलब राजमहल में होने वाला एक तरह की प्रतियोगिता है। इनमें जो सभी आदमी होते हैं वो खुद को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रानी के सामने आते हैं ताकि रानी उनमें से एक को पसंद कर ले और उनके बच्चों को जन्म दे सके। और यहाँ पर आकर इन्हें काम करना पड़ता है जिसके बदले इन्हें कभी कभी थोड़े पैसे भी दिए जाते थे। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पूरे जापान से लगभग 3,000 लोग आएंगे और वहीं पर यूनोसी ओनुबु को बताता है कि वो भी ओकुल जा रहा है। ओनुबु उसे जाने से मना करती है क्योंकि वो भी उसे सच्चा प्यार करती है लेकिन अब ये भी जाने के लिए मजबूर होता है। अब वहीं पर यूनोसिन ने ओकुल ज्वाइन कर लिया है। वहां पर उसको एक टीचर मिलते हैं जो उसको ओकुल की जगह को दिखाते हैं और वो बताते हैं कि तुम अभी सबसे लोअर रैंक में हो, जिनका काम यहाँ पर झाड़ू लगाना है और साफ सफाई करना है। जैसे जैसे तुम ऊपर रैंक में जाओगे तुम्हारा काम भी अच्छा होता जाएगा। और वैसे भी अभी रानी बच्ची है, वो केवल 7 साल की है, अभी तो तुम सभी के पास बहुत टाइम है क्योंकि जब रानी बड़ी होंगी तभी वो बच्चे को जन्म देंगी। और वहीं यूनोसिन ओकुल के सबसे बड़े लीडर नामी से मिलता है जो उसे बताता है कि यहाँ पर तुम जो कुछ भी देखोगे या सुनोगे उसे बाहर नहीं बताना और अपना मुंह बंद करके रखना है। जब यूनोसिन अपने रूम में जाता है तो वहाँ के लड़के उसकी काफी बेइज्जती और उसे परेशान करते हैं और उसके बालों का भी सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। जहाँ ये अपनी चोटी की वैल्यू इन सभी को बताता है और अब यहाँ इसे दूसरों से ज्यादा काम करवाया जाता है और ये इस काम से खुश था क्योंकि इसे इसके ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। वहीं पर काम करते करते इसका एक फ्रेंड भी बन जाता है जो उससे कहता है, बेटा टैंक में रखी गोल्ड फिश से अच्छे से बात करियो क्योंकि वो भी हमसे यहाँ पर ऊपर रैंक की है और हम यहाँ जानवरों से भी नीचे काउंट होते हैं। वहीं पर कुछ लड़के इसका जीना मुश्किल कर देते हैं, इसे मारते पीटते हैं और इसका खाना भी गिरा देते हैं। और वहीं रात में 3 हायर रैंक के आदमी यूनोसिन के रूम में आकर घुस जाते हैं और इससे भटाभट 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 करने की कोशिश करते हैं लेकिन यूनोसिन उनसे लड़ता है और उन्हें मार के भगा देता है क्योंकि ये तो है ही फाइट में मास्टर। अगले दिन यूनोसिन ये सारी बात अपने फ्रेंड को बताता है। उसका फ्रेंड कहता है, ये सब तो यहाँ पर नॉर्मल है क्योंकि अभी रानी 7 साल की है और ओकुल में लड़कियों का आना साफ मना है, इसीलिए ये सभी आदमी एक दूसरे के साथ ही भटाभट भटाभट कर लेते हैं। ये जानकर यूनोसिन को काफी अजीब सा लगता है। एक दिन ये कुछ आदमियों को एक रूम में फाइट करते हुए देखता है और वो भी बाहर प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे देखकर नामी उसके पास आता है और उसको अंदर
कर ले जाता है और इसे फाइट करवाता है। अब इसकी फाइट यहाँ पर सबसे बड़े फाइटर के साथ होती है, जहाँ पर सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं अबे चल ये क्या जीतेगा। फाइट होते ही यूनोसिन उसे दो झटके में हरा देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और वो फाइटर भी, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाता है और यूनोसिन को उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है। एक रात यूनोसिन अपने फ्रेंड को बताता है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहता है कि बाहर की दुनिया तो इससे भी बुरी है, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी शादी होगी, अगर तुम उस लड़की को बेबी नहीं दे पाते तो वो तुम्हें तलाक दे देगी। ये सब सुनकर यूनोसिन को फील होता है कि यहाँ पर लड़कों की लाइफ ज्यादा ही खराब है। बाहर जाओ तो दिक्कत, यहाँ रहो तो दिक्कत, जो लड़कियों के साथ होता है ये लोग यहाँ पर लड़कों के साथ कर रहे हैं। अगले दिन कुछ लड़के पूरे ओकुल में ये बात फैला देते हैं कि यूनोसिन ने यहाँ के बेस्ट फाइटर को हरा दिया है, और इसी वजह से कुछ लड़के यूनोसिन पर डोरे डालने लगते हैं और उसे पटाने लगते हैं। और उसी रात वो फाइटर फिर से यूनोसिन को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो फाइट नहीं करना चाहता था, पर यूनोसिन को उससे फाइट करनी पड़ती है क्योंकि वो उससे ऊंची रैंक का था। और इस बार भी यूनोसिन जीत जाता है और ये फाइटर हार जाता है, जिससे वो फाइटर बहुत हर्ट होता है। वो बैठकर यूनोसिन से मौत की भीख मांगता है और फिर यूनोसिन उसका गला काटकर उसे मार देता है। अब अगले दिन यूनोसिन से पूछा जाता है कि उस लड़के से कौन मिला था और उसे किसने मारा। वहीं यूनोसिन कहता है कि मुझे नहीं पता इसे किसने मारा। और दूसरी तरफ महल में खबर फैल जाती है कि उस 7 साल की रानी की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद अब किसी और को रानी बनाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और उल्टी खोपड़ी की होती है। और ये पहले दिन ओकुल की सारी दासों को निकाल देती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सोना और अच्छे कपड़े पहनकर आती थी। अगले दिन रानी एक नॉर्मल लड़की बनकर गाँव में घूमती है, जहाँ वो देखती है कि सभी लड़कियाँ कितनी मेहनत से काम कर रही हैं और आदमी प्रोस्टिट्यूट बने हुए हैं। वहीं पर रानी एक छोटे से लड़के से मिलती है जो कि प्रोस्टिट्यूट नहीं बनना चाहता था। दूसरी तरफ ओकुल में खबर फैल जाती है कि अब रानी सभी लड़कों को देखने के लिए तैयार हो गई है, और तुम सबके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसीलिए तुम लोग तैयारियां शुरू कर दो और इसमें केवल हायर क्लास के आदमी जाएंगे। लेकिन यूनोसिन तो लोअर क्लास का होता है, पर नामी उसे हायर क्लास में प्रमोट कर देता है। और अगले दिन सभी अपने लिए रंग बिरंगी ड्रेस चूज करते हैं, लेकिन यूनोसिन ब्लैक ड्रेस को पसंद करता है और अपने टेलर से एक मस्त सी ड्रेस बनवा लेता है। लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता, ना ही पैसे और ना ही कुछ, इसीलिए वो उसे किस दे देता है। और ऐसे ही कुछ दिन तक ये टेलर और यूनोसिन प्यार मोहब्बत करते हैं और इनका चलता रहता है। अब वो दिन आ जाता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। जब यूनोसिन अपनी ब्लैक ड्रेस में आता है तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो सबसे अलग ड्रेस पहनकर आया था। इसके बाद रानी आती है और तभी उनका पैर गलती से फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा जाती है और उनमें से एक तभी हंस पड़ता है। तो रानी कहती है कौन सा है बे। रानी यूनोसिन के पास जाती है, तभी यूनोसिन ऊपर देखता है तो रानी उसे देखकर पिघल जाती है और उसका नाम पूछती है। और यहाँ पर नाम पूछने का मतलब रानी ने उसे चूज कर लिया। इसके बाद नामी यूनोसिन को बुलाता है और बताता है कि रानी अभी वर्जिन है और कल तुम्हें उनके साथ रात बितानी है। और यहाँ पर एक प्रथा चली आ रही है कि तुम जैसे भी रानी के साथ रात बिताओगे और वो वर्जिन है, इसीलिए तुम्हें अगली सुबह मार दिया जाएगा और इससे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही तुम भाग सकते ना ही कुछ कर सकते, लेकिन इसके बदले तुम्हारे परिवार को बहुत सारे पैसे दे दिए जाएंगे। यहाँ जब ये सब बात रानी को पता चलती है तो उसे बहुत अजीब लगता है कि यूनोसिन को मार दिया जाएगा, क्योंकि रानी को उससे पहली मुलाकात में प्यार हो गया था और वो नहीं चाहती थी कि यूनोसिन को मारा जाए। वहीं रात में हम नामी और टीचर दोनों को बात करते हुए देखते हैं। टीचर कहता है कल हम यूनोसिन को मार देंगे और मैं बन जाऊंगा राजा, मतलब ये रानी को अपनी लुगाई बनाना चाहता है। यहाँ बेचारा यूनोसिन रूम में जाने से पहले सोच रहा होता है कि अब वो अपने प्यार अनुभव से कभी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद वो रानी के रूम में जाता है और ताबड़तोड़ करता है। अगली सुबह ऑर्डर आ जाता है कि इसे मार दिया जाए। वहीं पर सब तैयार होते हैं और यूनोसिन को मार दिया जाता है। इसके बाद यूनोसिन की फैमिली को पैसे दे दिए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि यूनोसिन की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई है। कुछ महीनों बाद हम अनुभव को देखते हैं, जो अभी भी यूनोसिन को भूल नहीं पाई है। तभी एक दिन यूनोसिन भी वहां पर आ जाता है। शौक हो गए ना कि ये जिंदा कैसे है, चलो बताता हूँ। उस दिन उसे मारा नहीं गया था। रानी बहुत दयालु होती है और वो उसे छोड़ देती है। वहीं अनुभव कहती है अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। दूसरी तरफ रानी ओकुल में सभी लड़कों को वहां से आजाद कर देती है और कहती है तुम अब आजाद हो, तुम्हें जो करना है वो करो, और वो उनको थोड़े थोड़े पैसे भी देती है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।